Hi, welcome back. Class 12th, Accountancy Chapter 7, Company Accounts Issue of Shares. आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कंपनी अलग अलग अकाउंट न खोलने की बजाय एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट का एक साथ अकाउंट खोलने को देखने को मिलता है आजकल, तो उसको किस प्रकार से हम रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं, इसके लिए हमने डीके गोयल की बुक से जो क्वेश्चंस लिया है उस क्वेश्चंस के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी जो है वो ऑफर करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉर। यहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर 3 रुपीज पर शेयर है वो कॉल कर रही है, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 5 रुपीज का कर रही है। पब्लिक अप्लाई कर रही है 92,000 शेयर के लिए, कंपनी अप्लाई कर रही है। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल 2018 को, और यहाँ पर एप्लीकेशंस 2000 है उनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है, और 90,000 जो शेयर्स एप्लीकेशंस है उनको 60,000 शेयर्स है वो अलॉट कर रही है। हमें यहाँ पर एंट्रीज दिखानी है उसकी, जनरल एंट्रीज में एक तो अमाउंट ड्यू हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, दूसरा द कंपनी मेंटेन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, उसे एक ही अकाउंट मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि भी जो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, वो 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं, और उसके ऊपर रेट है 3 रुपए के हिसाब से, और ये एप्लीकेशंस कंपनी के पास जो पहुंची हैं वो अप्रैल 2015 को आई है। तो हम एंट्री अप्रैल 15 2018 को जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कंबाइंड शेयर एप्लीकेशंस की बजाय हम ओपन करेंगे अकाउंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे 2,76,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा, 2,76,000 डेबिट और 2,76,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने अलॉटमेंट कर लिया 1 मई को यहाँ पे, तो यहाँ पे कंबाइंड जो अलॉटमेंट करना है, तो यानी कि कंपनी का एप्लीकेशन पर 3 रुपए और 2 रुपए अलॉटमेंट पे, तो टोटल ड्यू तो हमें 5 रुपीज के हिसाब से दिखाना होगा। 60,000 शेयर जो है 5 रुपीज के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को करेंगे तो 3 लाख को डेबिट करेंगे, और शेयर एप्लीकेशन को 3 लाख से ही हम क्रेडिट दिखा देंगे। लेकिन क्वेश्चंस में हमने देखा है कि 2000 शेयर्स वर रिजेक्टेड बाय द कंपनी, तो इसका रिवर्स एंट्री हमें देनी पड़ेगी। पैसा जब वापस जाएगा करेंगे तो हम शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, ये 6000 होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000 से। अब जो अलॉटमेंट के ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट जो बची हुई है जब एप्लीकेंट उसको भेजते हैं, तो एंट्री जो ट्रांजेक्शन हो किस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। लेकिन क्वेश्चन होता है बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेगी कंपनी, क्योंकि देखिए 90,000 जो एप्लीकेशन हैं उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन के हिसाब भेजा, तो वहां पे जबकि शेयर्स कंपनी के केवल कितने हैं 60,000, 60,000 में से करेंगे तो एक्सेस जो एप्लीकेशन है वो कितनी आई 30,000, 30,000 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से जो एक्सेस मनी पहुंच गया वो 90,000 रुपए पहुंच गया, जबकि कंपनी को अलॉटमेंट के ऊपर 60,000 में 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए चाहिए। एक्सेस मनी को उसमें से लेस करेंगे तो 30,000 अमाउंट जो रिमेनिंग है वो बैंक के अंदर आएगी। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट 30,000 से दिखाएंगे, और शेयर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट ज्वाइंटली के हैं उसको क्रेडिट दिखाएंगे। अब जब फर्स्ट कॉल जो है जून को, क्योंकि 1 मंथ आफ्टर है फर्स्ट कॉल हो रही है,
क्वेश्चंस में दिखाया गया है, तो यानी कि जून फर्स्ट को शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स फाइनल कॉल को हम डेबिट करेंगे वो 60,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज क्वेश्चंस में कहा गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 लाख आ जाएगी। शेयर्स एप्लीकेशंस को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी के पास पहुंचेगा, जो मनी रिसीव करेगी कंपनी, तो उस टाइम बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी 3 लाख से, और यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देगी 3 लाख से, और इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में ये दे जानकारी हासिल की कि जब ज्वाइंटली कंपनी अलग अलग नए खोल के एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट का एक ही अकाउंट खोलती है तो किस प्रकार से उसका अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसे अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो इस प्रकार के आपको लिए सबसे पहले आपको क्या नोटिफिकेशन में देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।